राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। आयोजित बैठक में 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक में के लिए गए फैसले की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और निकायों के आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री की अधिकृत किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 21 अगस्त से आहूत विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 अगस्त को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन चलाने का आह्वान किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, 36 प्रस्तावों पे कैबिनेट ने मोहर लगाई है। उसमें विभिन्न हमारे विभागों के द्वारा जो 36 मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई है। एक अलग से एक प्रस्ताव और आया, मतलब 36 प्लस एक 37 प्रस्ताव पे माननीय कैबिनेट ने मोहर। अनुपूरक बजट वाला विषय आज की कैबिनेट में नहीं आया है। अब चूंकि आज के जो विषय है वो मैंने आपको बताया, अब हमारे आरक्षण का विषय जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है, क्योंकि अभी पहले सीमांकन की कार्रवाई हमारी चल रही है, तो ये समाप्त होते ही हम आरक्षण कराने की के लिए हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, सत्र के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग 21, 22, 23 को हमारा जो विधानसभा सत्र होना है, और सरकार भी तैयार है, हमारे माननीय मंत्रीगण तैयार हैं, और ये कह सकता हूँ कि मैं सभी हमारे माननीय विधायकगण जो हमारे सत्ता पक्ष हैं वो 20 तारीख को वहाँ सब पहुँचेंगे, ऐसे उनसे अपेक्षा की है। विधान मंडल दल की बैठक भी हम 20 तारीख की शाम को वहाँ पे करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मौजूद होंगे। और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये हमारा सत्र सभी लोग, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी लोग इस सत्र को अच्छे ढंग से चलाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद भी कर रहा हूँ।